क्योंकि देखो सब ने देखा है तो उसके बिहाफ पे सबको यही हुआ है कि आपके दिल में उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर। तो मैं नहीं चाहता कि मैं लोगों के सामने फिर आऊं, ये सब लोगों को नाटक लगे, ड्रामा हो, मैं कुछ चाहता ही नहीं, मैं इसलिए तो दूर हूँ सबसे। नहीं चाहता कोई बर्दाश्त करे मुझे, जो तकलीफ हुई साहिल भाई, मुझे पर्सनली अंदर से लग रहा था कि कुछ ना कुछ अब बवाल हो रहा है, क्योंकि अब जब सर ने भेजा है तो देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल यही तो कुछ ना कुछ, क्योंकि जो दो वीडियो सामने आई है तो उसमें शेठ जी ने भी देखा है, पब्लिक ने भी देखा, हमने भी देखा है, तो उसी के चलते शेठ जी ने मुझे भेजा है, फिर देखें क्या करना है। कोई ना, स्टार्ट कर देते हैं एक बार कैमरा, और उसके बाद जो चीज़ भी हो, जो चीज़ आपको सर बताए हैं, सारा चीज़ एक बार सामने रखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं जैस खान। दोस्तों आज जो मेरे साथ यहाँ पे है साहिल भाई, मेरे ख्याल से आप इनको पहचान चुके होंगे, क्योंकि भाई जो इंसान मतलब अपने मालिक के खिलाफ जाकर किसी लड़की की रक्षा कर रहा है, उससे राखी बंधवा रहा है, और खुले दिल से, जब क्योंकि दानिश भाई वो लड़की वाकई में परेशान थी। जी बिल्कुल परेशान थी, और वो खुले दिल से आपने एक्सेप्ट किया कि मैं टाइम पे आर्यन बाबा जो थे वो मैंने टॉर्चर भी कर रहे थे काफ़ी, वो बेचारे चारों तरफ से परेशान। सही बात है भाई, और सारे लोग आपने मतलब कितना प्यार दिया और सारा चीज़ मतलब आपके सामने है भाई, मतलब खुले दिल से इन्होंने एक्सेप्ट किया कि भाई बहन तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम हो मैं तुम्हारे साथ में हूँ, चाहे वो कोई भी हो, आर्यन खन्ना हो या फिर कोई भी हो, मैं तुम्हारे साथ में, क्योंकि गलत हुआ था उसके गलत साथ हुआ था। आज जब दो वीडियो अपलोड हुआ है तो जो दो वीडियो देखने के बाद जो सर थे आर्यन खन्ना के जो पापा थे, इनको भेजे हैं पर्सनली, और क्या बोले, मतलब क्या बात करने के लिए, क्या देखा है? दो वीडियो आपके अपलोड हुई है और उसमें प्रिया जो है कहीं ना कहीं वो आर्यन बाबा के लिए फीलिंग रखती है अपने दिल के अंदर, तो उसी सबको देखते हुए बाबा जो हमारे सेठ जी हैं उन्होंने भेजा है कि प्रिया से अगर तुम बात करो, क्योंकि वो एक उम्र के उससे वो बात नहीं कर सकते। हाँ, जो शायद मैंने बहन माना है, बहन बोल के वो मेरे को फीलिंग अपनी शेयर करे। अब देखो आर्यन पे सुधर चुका है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे मैं आपके थ्रू प्रिया जी से मिलना ही चाह रहा था, बात करनी है आपसे, बात करनी। हाँ, ये चीज़ कैमरा पे सही है बात करना, आपको ऐसा लग रहा है? बिल्कुल, जब वो फीलिंग है उनके दिल में प्रिया जी के आर्यन बाबा के लिए, ये घर पे तो आप बात कर सकते थे ना, क्योंकि देखिए मैं कर सकता हूँ साहिल भाई, हर चीज़ कैमरा के सामने करना सही है। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि लोगों को भी दिखना चाहिए। घर पर मैं बात करूँगा ऐसा कुछ खास वो होगा नहीं, क्योंकि घर पर अलग माहौल होंगे, ऑफिस में एम्प्लॉयज़ होंगे, वो भी ऑफिस में काम करती हैं अपने, तो ऐसा डिस्टर्ब करना सही नहीं लगता ऑफिस के अंदर। तो ये बातें जो होती हैं एकांत में शांत दिमाग से होती हैं, क्योंकि ऑफिस में फिर ऑफिस का वर्कलोड भी होता है, फिर अपनी पर्सनल लाइफ भी है, तो फिर वो मिक्स नहीं हो इसलिए। मतलब जो प्रिया के दिल में जो दिख रहा है, जो उनके मतलब सच बताऊं तो अगर मेरे मुझे ऐसा जो लगता है पर्सनली कि उनका जो प्यार जो झलक कर सामने आ रहा है ना, वो मतलब उसी बारे में उसी सिलसिले में आपको बात करना है कि आखिर सच्चाई क्या है, कितनी हद तक वो आखिर है उसकी गिरफ्त में, प्यार की गिरफ्त में जो भी चीज़ है। तो दानिश भाई देखो ऐसा होता है कि प्यार जो होता है लव एट फर्स्ट साइट होता है, पहला प्यार होता है वो कोई नहीं बोल, कोई नहीं बोल पाता, ये चीज़ तो है भाई। तो बहुत बड़ी बात हो गया, जो भी उसने अपनी लाइफ में करा हो गया, बंदा सुधर गया है, तो शायद एक बार फीलिंग्स भी है, तो उसका बच्चा भी है, तो कहीं ना कहीं प्रिया भी चाहती होगी कि उसका बच्चे का जो बाप का साया होता है वो भी रहे। होता है सारी चीज़ें, क्योंकि दुनिया वाले ऐसे हैं कि बच्चे को फिर कुछ स्कूल में एडमिशन होता है तो उसमें भी दिक्कत आती है कि इसका तो बाप ऐसा था वैसा था, अब जब वो सुधर गया अगला बंदा, उसे मौका चाहिए सुधरने का, और वो ठीक है, वो अग्री करता है कि हाँ मैंने जो भी करा पास्ट में अपना, अब मैं सब कुछ छोड़ कर तुमसे ही प्यार करता हूँ, तुम्हारे अलावा कोई और नहीं है। ये चीज़ तो है सामने देखते हुए, फिर बात करते हैं एक बार, बात हो फिर देखते हैं क्या होता है, फिर मैं सेठ जी को बताऊँगा जाकर अगर डिसीज़न सही हुआ तो, अगर इन्होंने बताया अगर कि हाँ शादी करनी आ गया है, जो भी लाइफ में करना है उसके बाद सेठ जी का डिसीज़न होगा आखिरी। चलो ठीक है, एक बार बात कर लेते हैं प्रिया से, और बात करके बुलाने की कोशिश करते हैं।
अगर वो आ जाती है, देख लीजिए, बात कर लीजिए अपने हिसाब से आप। हेलो हेलो, हाँ प्रिया जी, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ मानिक जी, आप बताइए। कहाँ हो आप? मिलना था आपसे। मैं तो अभी मिलना था, ऑफिस में थी। अच्छा, ऑफिस में अभी आप? थोड़ा सा 10-15 मिनट के लिए आ सकती हो आप? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बस बात करना था। अभी आना है? जी अभी, अर्जेंट है थोड़ा सा। चलो ठीक है, ठीक, अब देखते हैं, बात करते हैं क्या होता है। अगर बात है इनके कुछ दिल में, अच्छी बात है। एक बच्चे को बात, आर्यन से कैसे फिर बात कीजिएगा? आर्यन से तो बात कर ही लेंगे, सेठ जी भी उन्हें समझाएंगे, क्योंकि सेठ जी ने उसे अपने एम्पायर से जो भी बिजनेस था, जमीन जायदाद सब निकाल दिया। बट एक बाप के दिल में होता है कि कुछ भी हो, बेटा बेटा रहता है उसके लिए, चाहे वो कितना ही गलत हो। एक फीलिंग जो बाप बेटे की होती है ना, वो बाप कभी अपने बेटे का बुरा नहीं चाहता, नहीं चाहता। अब जो पागलों की तरह वो हरकत कर रहा था, अपने बाप को भी दिखता है कि उसका बेटा अपनी लाइफ में खुश रहे। सही बात, चाहे उसने जो भी किया, बाप हर गलती माफ़ करता है। तो सेठ जी से बात करेंगे उसके लिए भी। फिर मैं तो सेठ जी से ये बोलूँगा कि अगर है प्रिया के दिल में कुछ, अगर वो आगे शादी करना चाहती है तो फिर कराएं उनकी शादी, अच्छा होगा। ठीक है, तो प्रिया भी आ ही रही है, उसके बाद फिर जो चीज़ है आप एक बार बात कर लीजिए, पूछ लीजिए, हम भी बात कर लेते हैं और देख लेते हैं भाई। कैसी है? ऑफिस से आ रही हो आप? कोई नहीं, बैठे बात करने के आपसे। देखिए देखिए मत, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत आपने किया है। प्रिया जी, सारा चीज़ नॉर्मल चल रहा था, उसके बावजूद भी आप को हम क्या बोले? दानिश भाई, अकेले बात कर सकता हूँ मैं 2 मिनट? हाँ बात कीजिए। ये माइक लगा दे रहे हैं ताकि रिकॉर्ड हो जाए जो भी आप लोग बात करें। और बताओ बहन, कैसे हो आप? ठीक। और ऑफिस में सब कैसे चल रहा है, काम वगैरह? अभी ठीक है। ये तुम्हारा, मैंने आप वीडियो अपलोड की थी आपकी, दो सर ने भी देखी और सब ने देखी, तो मतलब ये चल क्या रहा है, उसी के सिलसिले में बात करनी है। अभी तो भाई कुछ भी नहीं चल रहा, बस मुझे ऐसा कहीं ना कहीं कुछ फील हुआ कि आर्यन काफ़ी टाइम से दिखा नहीं रहा, तो दिखा नहीं था वो ठीक है, पर जो लास्ट टाइम उसके साथ हुआ उस वजह से मुझे लगा कि हाँ। सच बोलना भाई, मानते हो तो? भाई ऐसा अभी मुझे कुछ नहीं पता, सीरियसली मुझे सिर्फ लगा कि हाँ वो ठीक है और ये जान लेना चाहिए, क्योंकि सब चीज़ें सबके सामने थी, इसलिए मैं सिर्फ वीडियो बनवाने आई थी और कुछ भी नहीं है कि हाँ मेरे मन में उसके लिए कुछ हो। अभी मुझे कुछ नहीं पता कि हाँ क्या है क्या नहीं, पर ये था कि थोड़ा कंसर्न था बस उसके लिए। अब देखो, हुआ ये कि सर हैं, सर ने भी आपको देखा है मतलब वीडियो वगैरह में, तो सर का भी कहना ये था कि वो तो आपसे बात कर नहीं पाएंगे कि आपको बेटी वगैरह मानते हैं अपनी, ठीक है। तो उनके बिहाफ पर मैं आया हूँ कि क्योंकि थोड़ा सा बात करने मेडिटेट हो रहे थे, और मैं भी नहीं चाहता कि आपकी लाइफ में इंटरफेयर करूँ, ठीक है, क्योंकि आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है। अगर आर्यन बाबा के आपके दिल में कोई सॉफ्ट कॉर्नर है तो आप मुझे बताओ, ठीक है, क्योंकि फिर आपने भी मुझे भाई माना है, ठीक है, आप मेरी बहन हो, आपका हम बुरा तो करेंगे नहीं, अच्छा जाएंगे। अब आर्यन भी जो है इस टाइम पे थोड़ा सुधर चुका है, समझ रहे हो आप बात को? तो अगर कुछ भी होता है, आपके दिल में कोई सॉफ्ट कॉर्नर है, तो आप उसके लिए मुझे बताओ बिना हेजिटेट हो गए। भाई मैं सिर्फ और सिर्फ मुझे ये कंसर्न था उस टाइम पे, और मुझे नहीं पता था कि ऐसा, क्योंकि देखो सब ने देखा है, तो उसके बिहाफ में सबको यही हुआ है कि आपके दिल में उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। मुझे नहीं, समझ रहे हो आप? सॉफ्ट कॉर्नर एक अलग चीज़ है, सॉफ्ट कॉर्नर इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी वजह पास्ट है,
पर जैसा आप लोगों को लग रहा है वैसा अभी मेरे मन में कुछ नहीं है, मुझे नहीं पता है नहीं है, मुझे सिर्फ कंसर्न था कि वो कहीं ठीक है या नहीं है, या जो मेरी वजह से, क्योंकि जो उसके, ये सच है कि मेरी लाइफ में जो हुआ वो उसी की वजह से हुआ था, पर उसकी लाइफ में जो बुरा हुआ वो भी तो मेरी वजह से हुआ था ना, सिर्फ इसी वजह से, सिर्फ और इसी कंसर्न की वजह से कि हाँ अब वो सब सिर्फ ठीक है। उसके बाद मुझे, अब मैं, आप लोगों को क्या लग रहा है मुझे नहीं पता, और मुझे खुद नहीं पता कि अभी मेरे मन में क्या है। चलो फिर ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, आर्यन को बुला दूँगा, ठीक है, करता हूँ। भाई आर्यन को क्यों बुलाना है? अरे बात कर, तो बात तो करनी पड़ेगी ना। पर आर्यन से क्या बात करेंगे? देखो करता हूँ मैं, एक मिनट। दानिश भाई इधर आएंगे आप, एक मिनट। आप एक बार आर्यन बाबू को कॉल कर सकते हैं, बुला सकते हैं यहाँ पे कॉल करके आर्यन को। हाँ बात करनी है कुछ अभी। हाँ अभी सही रहेगा। हाँ बात तो करनी पड़ेगी क्योंकि सबने देखा है उस वीडियो का, फिर रिजल्ट कुछ ना कुछ तो निकालना पड़ेगा ना, सर को ही बताना है फिर मुझे, क्योंकि सर के ब्याह पे मैं आया था बात करने। आप बुलाओ एक बार आर्यन बाबू को। पता तो चले उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या है, दिल में क्या है उसके। हेलो जी, कैसे हैं भाई? मैं भी ठीक हूँ, मिलना था आपसे थोड़ा सा। क्या चीज़? वो साहिल भाई आए हुए मिलने के लिए, जो बॉडीगार्ड थे ना आपके पापा के। साहिल जी, पापा ने क्यों भेजा? इसका रीज़न तो मुझे नहीं पता है, बस इतना पता है कि वो आप अभी आपसे मिलना चाहते हैं। अब मिलने के पीछे का रीज़न क्या है? भाई मैं जानता हूँ आगे क्या होना है, वही सब चीज़ के लौट आओगे। मैं वही सब नहीं चाहता, मैं अपने आप को बस संभालता हूँ, जैसे तैसे संभालने की कोशिश करता हूँ। मुझे संभालने दीजिए ना सब, क्यों ये सब फिर हो रहा है? बोलो दानिश भाई, एक बार बात तो करनी पड़ेगी ना। एक बार बात तो करनी पड़ेगी ना भाई, मतलब देख लीजिए प्लीज, 5-10 मिनट के लिए आ जाइए प्लीज, बुला रहे हैं। 5-10 मिनट, सिर्फ 5-10 मिनट। ठीक ठीक है, आ रहे हैं। कंफर्म, मतलब क्या बात करना है आपको? देखो सबने वीडियो देखा है, उसका भी माइंड का पता तो लगाना पड़ेगा, उससे बात करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो कंक्लूजन निकलेगा ना इस बात का, ताकि मैं आगे जाके सर को बताऊं फिर इस चीज़ को। अब उसे भी देखना है कि कितना सुधरा है, कितना काबिल हुआ है अपने दम पे वो। ठीक, क्या है? तो ये चीज़ तो मुझे भी नहीं पता है, आपके पापा जी ने भेजा है इनको बात करने के लिए, तो इनको बैठा कर रखे हुए, अब फाइनली पता नहीं आपसे क्या बात करना चाहते हैं, मुझे भी इतना नहीं आइडिया। एक बार बैठ जाइए, बैठो आप। क्या देख भाई, आर्यन मेरा भाई, ये तू मेरा भाई है, ठीक है, और तेरे मेरे बीच में जो भी हुआ कोई मेरा पर्सनल मैटर नहीं था, क्योंकि मैं भाई सर के साथ रहता हूँ, तो मेरा वो काम है, कोई भी सर को ऊँची आवाज़ में बात करेगा, रखता मुझे करेगा, मेरा काम है, ठीक है। वो उनका बेटा है, मेरे लिए आर्यन बाबा रहेगा, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। और बाकी अब ये बताए तेरे मन में चल क्या रहा है प्रिया को लेकर? मेरे मन में कुछ भी नहीं है, मैं किसी को लेकर कुछ नहीं चल रहा मेरे मन में, खास में हुआ मेरे मन में कुछ नहीं चल रहा किसी को लेके, मैं बस सबसे दूर रहना चाहता हूँ, अपनी लाइफ में रहना चाहता हूँ। मैंने जो किया है उसके हिसाब से बहुत कम है शायद अभी, और कुछ बहुत कुछ देखना है।
मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है, अभी और कुछ झेलना है, बहुत बाकी है अभी मेरे भाई। अभी तो मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं चलता ना जैसे तुम कर रहे हो। जैसा मैंने किया है तुम्हें भी पता है, सबको पता है, ठीक है। और लोगों को आज भी मेरा ये सब सिर्फ एक नाटक ड्रामा लग रहा होगा, ठीक है। होता है बंदा अपना जब दौलत के घमंड में होता है, नशे में होता था, ऐसी हरकतें करता है, उठपटांग, ठीक है। अब सर ने मुझे भेजा है, वो भी कहीं ना कहीं तुम उनके औलाद हो सर की, है नहीं है, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं ये नहीं चाहते कि आप दुख में रहो, वो भी चाहते हैं आप सुखी रहो अपने। ये भी मेरी बहन है सर प्रिया, जो इस मैंने बहन बोला, तुमने इसके साथ जो भी किया बहुत गलत किया, ठीक है, इसने अगली ने सहा सब कुछ, इसीलिए तो नहीं चाहता ना मैं कि और कुछ गलत हो, और मतलब किसी को लगे कि मेरी वजह से इसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मैं सिर्फ दूर रहना चाहता हूँ सबसे। और कुछ जो नहीं। दो वीडियो आई थी मगर उसमें देख करके लगा था क्या कहते हैं कि उसके दिल में भी कुछ है, बात कर रहे थे। तो अब आप ये बताओ, आप मुझे ये बताइए साहिल भाई कि अंकल क्या बोल रहे हैं। देखिए आर्यन भाई, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अंकल अगर कुछ बोले हैं, अंकल इनको भेजे हैं कि जाके एक बार देख कर आओ प्रिया की लाइफ में क्या है। हाँ। वो क्या चाहती है, क्योंकि सर तो इनडायरेक्टली इनसे नाराज हैं। हाँ बिल्कुल, और मुझे आज भी उनके दिल में भी तो एक बेटे के लिए प्यार है ना, चीज है ना, इसलिए मुझे भेजा है कि वो भी मुझे अपना बेटा ऐसे मानते कि साहिल एक बार तुम जाओ, तुम बात कर, सिंपल है। और सच बताओ मुझे आज भी आप पर विश्वास नहीं है अरिंद भाई, नहीं है विश्वास, सच बताओ तो मैं हूँ ही नहीं ना विश्वास के लायक, इसलिए तो मैं नहीं चाहता कि मैं लोगों के सामने फिर आऊँ, ये सब लोगों को नाटक लगे, ड्रामा हो, मैं कुछ चाहता ही नहीं, मैं इसलिए तो दूर हूँ सबसे। मेहनत कर रहे हो, कुछ कर रहे हो अपने, अच्छा लाइफ में अचीव कर रहे हो, कुछ जॉब कर रहे हो अपना, मेहनत कर रहे हो, तो अब उन्हें लग रहा है कि हाँ शायद मेरा बेटा सुधर गया है, जो भी हुआ ठीक है, बट अब एक बाप के दिल में हमेशा अपने बेटे के लिए मोहब्बत ही रहती है। सही बात, पता है आपको ये कितना मतलब परेशान होते हैं तुम्हारे लिए, कितने मैं उनके आगे जाने लायक भी नहीं हूँ, मैं नहीं उनके जाने सामने आने लायक, नहीं। अरे ऐसा नहीं होता, समझे करो, नहीं नहीं मैंने मैं कुछ कह रहा हूँ ना, बहुत कुछ ये सब अपने सर की बात मान दे, और सर के कारण ही कहीं ना कहीं ये चीज़, मैं नहीं चाहता कोई बर्दाश्त करे मुझे, अब किसी को तकलीफ कोई नहीं।